ज्यादा कुछ ही ना कु रखा रंग तो यहाँ पे तीन दिन हो गए जी मैंने रखा था चूल्हा भिगो के ना, नगो के रखा <laughs> साल इस... ये अभी ये जो है ना अच्छे से पक्का हो गया क्योंकि ऐसे अगर भिगो कर रखें तो वो बिल्कुल मजबूत हो जाता है तो इसको जो है ना निकाल के यहाँ पे रख देते हैं तो चूल्हा जो है ना इसको हमने रखा था इसमें तो इस पर जो है ये एल वगैरह जो है वो बन जाती है अक्सर जो सब सबज होती है ना तो इसलिए फिर मैंने कहा मेड मिनट का तो इसको ना अच्छे से जो है धो लेते हैं और ये हमारा नाइल ना लस्सी बनाने के बाद इसको जो है धोना पड़ता है क्योंकि जब लस्सी ऊपर रहे तो फिर मक्खियाँ बैठती रहती हैं ना चाहे जितनी मर्जी साफ कर लें बिस्मिल रखा रहीम तो अभी इसको जो, जो है ना मैंने कहा खुश होने के लिए रख देते हैं और बिस्मिल अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारी दवाई के हमारे देखने वाले भी जहाँ रहें खुश रहें हंसते मुस्कुराते रहें इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह में हमारे जो काम होते हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी फजर के बाबत जो है वो गए हुए हैं बाज़ार तो इसलिए मैंने कहा उनके आने से पहले पहले जो काम मेरे करने वाले हैं मैं वो जल्दी से कर लूँगी इसको रख देते हैं जी यहाँ पर हो जाएगा थोड़ी देर के लिए रखना है ये नहीं कि सारा दिन यहीं पे पड़े रहे और इसका ये सारा कलर ख़राब हो जाए तो माशाल्लाह से देखें जी हमारा जो हमने अपने लॉन में लगाया था ना ये घास ये सारी हरी हो रही है ये देखें ये वाले पौधे माशा से बहुत ही हरे हरे हो गए हैं तो अभी फजर के तारिक साहब के आने से पहले मैं अपना सारा काम जो है वो मुकम्मल कर लूँगी ये वाली जो चारपाई ना इसको भी साइड पे कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे लीम के पौधे को ख़राब कर रही है तो ये चारपाई जो है इसकी बुनाई करवाने वाली है पहले बुनाई की हुई थी लेकिन वो जो है ख़राब हो गया इसका बांध बिंडी इसको बोलते हैं ये ठीक है इसलिए मैंने कहा इसको दो के इसकी बुनाई करवा लेंगे फिर से नहीं हो जाएगी और ये जी है हमारा हमारी मुर्गियों का नया घर तो वैसे कल की वीडियो में ये थोड़ा सा आया था लेकिन मैंने इसके बारे में जो है आपको बताया नहीं है कि हमने ये कैसे बनवाया है क्या किया क्या नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मुर्गियाँ जो है ना उनके लिए उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है तो इसलिए हमने ये जो है लोहे का बनवाया किसी दोस्त ने इनको गिफ्ट किया उनके पास पड़ा हुआ था तो हमें ज़रूरत थी तो हमने मांग लिया तो उन्होंने फिर हमें हमसे इनकार नहीं किया क्योंकि ये उन्होंने अपने बनवाया था जी तोते के लिए उन्होंने एक तोता रखा था तो उसके लिए बनवाया था ये देखिए यहाँ पर उन्होंने सारा तोते का सेटअप ही लगा हुआ है तो हमने कहा चलो हम जो है मुर्गियों के लिए इस्तेमाल कर लेंगे ये सेटअप जो है ये तोते का ये वाला जो ऊपर लगा ना वहाँ पर तोता बैठता है और ये वाले ख़ुराक के दो खाने बने हुए हैं तो ये इस तरह जो है ना बहुत ही प्यारा सा घर है ऐसे जैसे ना मुकम्मल होता है तो यहाँ पे इसका ट्रे भी था जो ये नहीं लेकर आए हैं जो यहाँ पे लगे ना कोई भी बीट वगैरह जो होती है मुर्गियों की तो वो उसमें आ जाए तो बंदा उसको धो ले तो ये हमने एक जी लिया है जो बहुत ही प्यारा है तो उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा और बाकी मैंने अपने तमाम देखने वाला का पहले तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप लोग जो है हमारी जो है वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोगों हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया और छॉँपे खड़े होकर बात करते हैं क्योंकि तो जो है बाक़ी सबसे ये भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वीडियो जो उसको मुकम्मल वाच किया करें क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत होती है वीडियो में तो अगर उसको आप मुकम्मल नहीं देखेंगे उसका वाचना अच्छा नहीं होगा तो वो समझ लें हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होगी तो इसलिए आप मुकम्मल देखा करें तो अभी हमने जी रात को बनाए थे जो फूल वग़ैरह तो जैसे ही तारिक साहब आते क्योंकि उन्होंने कुछ रंग और भी लेकर आनी और छोटे छोटे मैंने बुरश बोला है वो लेकर आए क्योंकि जब भी हम वो कलर करना शुरू करते हैं ना वो सारा नीचे फैल जाता है तो वो भी बुरश लेकर आएंगे लेकिन उनसे पहले थोड़ा थोड़ा काम जो है वो मैं ख़ुद भी करती हूँ तो चूना भी लेकर आएंगे तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कलर करने की बजाय कलर को किए हुए कलर को क्यों ख़राब कर रही करी तो उसका भी जी एक रीज़न है कि हम लोगों ने रात को ये वाला जो है पौधा इसको कलर किया और ये जो परिंदा बनाया था इसमें भी कलर किया हमने रात को वीडियो अपलोड कर दी तो सारे बहन भाइयों से मशवरा भी लिया क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काबिल एहतराम है इसलिए जो है काफ़ी सारे हमारे बहन भाइयों ने बोला कि आपने फूल जो है वो बना लिए वो ठीक है लेकिन आपने ये परिंदा जो है ना ये यहाँ पे नहीं बनाना था क्योंकि इससे कहते हैं कि नमाज़ नहीं होती ये शायद जो भी है आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो इसलिए फिर तारिक साहब ने बोला कि आ, आप मेरे आने से पहले इसको मिटा दें तो मैंने कहा चलो भाई बग्गी आज अपने आ, बग्गी चलो भाई बग्गी आज अपने हाथों से ही नुकसान कर देते हैं तो क्योंकि आप लोगों की राय हमारे लिए काबिल एतराम तो जैसे आप बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे तो अभी जो है ना हम इसको सारा जो है ना ये वाला ये उतार देते हैं किरंदा और इसकी जगह पे एक प्यारा सा ऐसा ही फूल बना देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लगेगा वो असल में ये हमारी गलती है हमने थोड़ा सा सोचा ऐसे मशोरे आप लोग देते रहे करें तो मैं इसको सारी को मिटाऊँगी और फिर दोबारा से ऊपर तारिक साहब चूना लेने गए हम वो चूना लेकर आएंगे तो वो लगाएंगे क्योंकि हमारा कल वाला चूना कम पड़ गया था मुर्गियों को बुला जाके बुला के एक एक पाउ जूते का पहना हुआ है एक पहना हुआ भी नहीं है दूसरा कहाँ है जा, बाबा आ गया सुभान, बाबा आ आगे जाओ देखो उसको। ये तो हो गया जी इतना कंप्लीट हो गया और सुभान आज इसने अपनी माँ के सर में सोटा मार, मार। तो मारूं नहीं मारा क्या मारू मैं मैंने क्या मारू ए तो ये मेरे पास सोफा इसके साथ सफाई देंगे रंग जो हमने किया वो बड़ा ही है, है वो अच्छी किस्म का उतर ही नहीं रहा बड़ी मुश्किल से उतर हालांकि रात को किया तो इतना हो गया सुबह भी छाट जा कपड़े खराब कर दे पे सुबह सुबह तेरी मल छाइया नवाया दुआया तो फिर ओ इधर जी तो अभी जो है ना कुछ टोक पाने मैंने लगाए हैं कुछ फजर तारिक साहब ने लगाए हैं और अभी जो है खाने का टाइम हो गया है तो जब से हमारा ये वाला हार्ड वर्क स्टार्ट हुआ है तो आप ही जो है वो खाना बनाती है हमारे लिए कल दोपहर का खाना भी उन्होंने ही बनाया था और आज दोपहर का खाना भी उन्होंने ही बनाया तो अभी जो है क्योंकि पहले मैं बनाती थी रेसिपी तो हम सब मिल के खाते थे तो दो दिन से वो खाना बना रही है इनशाला जैसे ही मैं अपने इस काम से फ्री हो जाऊँगी तो फिर मैं खाना बनाऊँगी और सब मिल के खाएँगे अभी फ़िलहाल जो है खाना जो है वो शुरू करते हैं क्योंकि उसके बाद जो है जुमे की नमाज़ का टाइम होने वाला है तो मेरी तरफ़ से सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो खाने के बाद जुमे की नमाज़ अदा करेंगे और फिर लगेंगे अपने काम पर जी जी तो अभी जो है हमारा एक फूल जो है वो कंप्लीट हो गया इसको ऊपर से हमने सुरख कलर जो है वो कर दिया और आज सारा दिन जो हमारा है वो लगा है ये वाली चीज़ मिटाने में क्योंकि ये कलर पक्का था तो बड़ी मुश्किल से उतरा है उतरने के बाद फिर चार पांच दफ़ा हमने इस पे चूना लगाया तभी जाके ये सेट हुआ कुछ तो अभी यहाँ पे कोई और फूल बनाते हैं फिलहाल हमने यहाँ पे ये वाला फूल बना दिया इधर तो घड़े मैंने आपको दिखाए थे और यहाँ पर जो है दूसरा फूल हमारा सेम वैसे ही है अच्छा लग रहा है तो ये अभी तारिक साहब जो इसको पेंट कर रहे हैं तो ऊपर यानी कि फूल और नीचे पत्तियाँ होती हैं हो। तो ये अभी जी हमारा फूल बन रहा है तो बाक़ी जी सारी चीज़ें ऐसे बिखरी पड़ी हैं और यहाँ पर मैंने जो आज सारा दिन में काम किया है मैंने किया है ये वाला काम क्योंकि यहाँ से सारा जो है फर्श हमने आ, निकाल दिया था तो फिर मैंने इसको लिपाई की है गढ़वाले के साथ और ये जो है दरवाज़ा ये हमारा भी माशाल्लाह से अच्छे से लग गया तो यहाँ पर भी कुछ मिट्टी लगाने वाली थी ये भी लगाई है और उस साइड पे भी ऐसे ही मिट्टी लगा दी है मोहम्मद सुबान जो है वो अभी सोया हुआ है तो दरवाज़े को ना यहाँ पे हमने ये चीज़ लगाई हुई है ताकि दरवाज़ा जो है वो आगे ना जाए बंद ना हो क्योंकि रोशनी नहीं आती फिर और ये जो है हमारा कवर नहीं होगा फिर काम तो अभी जी यहाँ पे हमारा कबूतर की जगह पे भी एक नया फूल जो है वो बन रहा है दीवार पे तो इसके जो है ना सेब लटक रहे हैं एक ये और एक ये अभी तो उस वक्त पता चलेगा जब ये जो है ना अच्छे से क्या है? पेंट होगा अच्छा मास्टर साहब तो अभी जी यहाँ पे मेरी चल रही है ट्रेनिंग क्योंकि तारिक साहब जो है ना वो मस्टर हैं मैं स्टूडेंट हूँ हाँ जी तो यहाँ पे जो है ना अभी हमारा ये वाला फूल जो है बन गया तो हमने कहा चलो दोनों मिल के जल्दी से जो है इसकी तैयारी करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और मुकाबला सख्त इसलिए नहीं बनी इस एक परिंदे की वजह सारा दिन हम इसी को मिटाते रहें और ये हमने किया है जी आप सब के लिए क्योंकि जहरी बात है ये पिरंदा तो खड़ा रहना था और वीडियो भी बनती रहनी थी रोज बरोज फिर कमेंट आने थे आपके कि आप इसको मिटाए मिटाएं, मिटाएं। इसलिए हमने कहा कि जो है ना मामले को जड़ से ही उखाड़ देते <laughs> बजाय इसके के सारा जो है ये तंग करता रहे ये तो सु पई है चौधरी पानी केड़े पर थोड़ा काम करती रही चेक करूं कोई कसर है ले आगे घाटी हम फिक्की हो गई है सही का तो अभी जी काफी देर काम करने के बाद जो है ना मैंने कौन सा काम किया है वो भी मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देती हूं लेकिन तारीख सामने ये वाला फूल जो है मुकम्मल कर दिया देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये वाला फूल तो आज सारा दिन हमारा इतना ज्यादा काम नहीं हुआ तो हम लोग असल में ना ये जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मेहमान आने वाले हैं कुछ दिनों में तो हम कहते हैं कि हम जल्दी से अपने घर का जो काम है वो मुकम्मल कर दें ताकि सफ़ाई हो जब घर में मेहमान आए तो फिर जो है ना सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हों साफ़ साफ तो अभी तारिक साहब दूसरा फूल जो है वो करें मैंने तो बस फतियाँ की हैं और मुझे रोना आ गया <laughs> रोना नहीं आया क्योंकि मुझे ना नींद आई हुई थी इसलिए और यहाँ पर जो है ना ये बना रहे हैं फूल तो मैं अक्सर इनको ना मशुरा दे देती हूँ ना करें ऐसे ना करें तो वो कहते हैं कि आप जो है ना जब वो क्या में कहते हैं हाथ ना बोली कर दोबारा की हाथ ना बोल <laughs> तो कहते हैं जब आप हाथ पे बोलती हो ना तो तभी खराब होता है इसलिए आप जो है ना बोला ना करें बस चुप करके देखती जाए कि क्या होता जा रहा है वो ऊपर वाली पत्ती जो है टेढ़ी मेढ़ी मैंने बनाई है अभी ये नीचे से कारीगरी कर रहे हैं तो उम्मीद है कि हमारी जो है शाम तक बस यही फूल कंप्लीट हो तो बस ये सब कुछ हमने आप लोगों की खातिर की है कि आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो अभी यहाँ से जी लुक चेक करें हमारे कमरे की अभी लाइट नहीं है क्योंकि अंधेरा हो गया रात होगी है बिल्कुल ना ये जो है कुछ कम दिखाई दे रहा होगा लेकिन इन बहुत जल्द यहाँ पे दूसरी लाइट तो नहीं कुछ ना कुछ लाइट का इंतज़ाम जो है वो ज़रूर करेंगे फिलहाल हमारा जो आखिरी काम रहता था वो भी कंप्लीट हो चुका है ये भी लिपाई होगी और हमारा आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने जो है ये वाला काम भी कर का दिया क्योंकि काफ़ी सारे हमारे फीवर्स जो हैं वो डरते बहुत ज़्यादा हैं इसलिए अभी मैं यहीं से बंद कर दूँ कि उधर से बहुत ही प्यारा सा दरवाज़ा जो है वो लग हाय अंदर अंधेरा हो गया अंदर अंधेरा हो गया ये जो है हमारा मेन दरवाज़ा जो है वो भी लग चुका है तो अंदर से तो अच्छे से बंद हो गया तो कोशिश तो थी कि आज इसको भी पेंट कर दे लेकिन हमारे पास टाइम जो है वो नहीं बचा बिल्कुल जो है ना टाइम ख़त्म हो चुका है रात के टाइम काम नहीं होता और वैसे भी मुझे इस टाइम जो है ना वो थकावट से ऐसे बुखार सा हो रहा है इसलिए इन हमने वीडियो भी अपलोड करनी होती है और वीडियो अपलोड करते करते हमें दस से ग्यारह बज जाते हैं छत पर बैठे बैठे फिर क्या कि सर्दी भी अभी पढ़ना शुरू हो गया तो आपको पता है तारक साहब बेचारे हैं भी थोड़े कमज़ोर से तो मैं नहीं चाहती कि वो इतनी देर रात छत पे बैठे रहें इसलिए हम जो है अभी अगर वीडियो के एंड करेंगे तो तभी हमारी कुछ जल्दी जाके वीडियो अपलोड होगी और फिर हमारे प्यारे देखने वालों को मिलेंगी तो इन जी अभी कल की वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए आप तो में याद रखें और अपना ठेर सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफ़